जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म चैनल से हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दान की जिससे आपको बहुत बड़े कष्ट से छुटकारा मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप कोई समस्या बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, 8126476399 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। किसी भी तरीके से कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप पे आपको वॉइस मैसेज में अपनी बात को छोड़ देना है या लिख के भेज देना है, साथ में नाम फोटो एक्सप्रेस भेज देना। मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं आपका उसका जवाब दूंगी। तो अगर आपको किसी पंडित ने ये बोल दिया है कि जी तुम्हारा तो मंगल खराब है, बुध खराब है, शुक्र खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये आपको किसी ने बोल दिया जी आपके तो सारे के सारे ही ग्रह खराब है, चौपट पड़े हैं, यदि आपको ग्रहों और नक्षत्रों की कोई भी समस्या है और आपको कोई भी पूजा पाठ बताई गई है, और ये तो अमूमन सभी के साथ है कि जितने भी लोग होते हैं उनका कोई ना कोई ग्रह खराब ही रहता है। तो यदि आपका कोई ना कोई ग्रह खराब है, आपका सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कुछ भी खराब है, ग्रहों की खराबी है, नक्षत्रों की खराब है, यदि नक्षत्र जैसे स्वाति नक्षत्र हो गया, अश्विनी है, और कोई भाद्रपद नक्षत्र है, कोई भी नक्षत्र खराब है, कोई ग्रह खराब है, दूसरा यदि आपके पूर्वज आपसे डिस्टर्ब हैं, आपके पूर्वज आपसे गुस्सा हैं, चिढ़े हुए हैं, आपको पता है कि मेरे पूर्वज मुझसे नाराज़ थे, या जैसे कि मान लीजिए कोई किसी के पिता थे वो उससे चिढ़े रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई और अभी भी उसको लगता है कि पिताजी तो मुझसे नाराज़ रहते थे तो मुझसे नाराज ही होंगे, या कोई मृत आत्मा है, कोई भी हो सकता है, जैसे किसी का कोई अनजाना ही व्यक्ति हो, कोई अनजाना ही आत्मा आपको तंग कर रही है और आपको पता है, तो आपको बस इतना करना है कि ये जो पितृ पक्ष चल रहे हैं या अमावस, कोई भी अमावस, 1.25 किलो काले तिल लेने हैं और 1.25 किलो काले तिल लेकर आपको उनको एक थैली में लेके किसी भी मंदिर में जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर हो, शिवलिंग पे किसी भी पंडित को बोल देना, उसको 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी दक्षिणा देने की इच्छा हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है, किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, किसी अच्छे मेट्रो सिटी में जाते हैं तो पंडित जी 500 रुपये लेते हैं, नॉर्मल मंदिरों में पंडित जी 251-100 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गांव देहातों में अभी भी पंडित जी को लोग 1151 रुपये ही देते हैं, ये तो मैंने देखा है इसलिए बता रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में देते रहते हैं या पंडित को आप क्या देना चाहते हैं। कुंडली देखने का कोई 5000 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, तो सिर्फ कोई 11 रुपये में भी कुंडली देख लेता है। तो इस तरीके से आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उससे बोल दीजिए पंडित से और वो शिवलिंग पे दान कर दीजिएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपका नाम गोत्र लेकर, जैसे कि मैं अमुक पुत्र या पुत्री, अमुक पत्नी, अमुक अमुक गोत्र, निवासी स्थान यहाँ, और जो जो मैंने आपको बोला उन सब चीज़ों में मेंशन करते हुए इस कार्य हेतु तिल का दान कर रही हूँ। मेरे ग्रह नक्षत्र शांत हो और मेरे जो पूर्व मुझसे नाराज़ हैं वो शांत हो, तो वह 1.25 किलो तिल का दान करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, एक रात पहले जिस चारपाई पे आप सोते हैं वहाँ पर वो 1.25 किलो तिल रख के सो जाना। अगले दिन सुबह वो 1.25 किलो तिल अपने सर से 7 बार उल्टा उतार के फिर उसको पंडित से दान करवा देना। अब पंडित ना हो तो खुद से भी दान कर सकते हो, लेकिन साथ पे 11 रुपये भी चढ़ा देना, कहाँ, शिवलिंग पे। इतना आप उपाय कर लो तो आपकी ये जो भी ऊपरी कोई बाधा होगी, कोई ग्रह बाधा होगी, कोई नक्षत्र की बाधा होगी, या आपका कोई पितर आपसे नाराज़ होगा, कोई आत्मा आपसे रुष्ट होगी, तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा उपाय करके देखिए, उम्मीद है कि आपको उपाय अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो आप 8126476399 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।